हाँ देखिएगा, जो आज जो टॉपिक होगी बीएससी फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इससे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि अगर जो किसी भी गैसेस जो कंपोनेंट में या मेटल के साथ जब हम लोग वनली वन इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं, तब जाकर के वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी वहां से रिलीज होती है, और उसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल पी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल पी से हम लोग दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर जो किसी भी गैसेस मेटल के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे, तब जाकर के हमको एक न्यू कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसका डिटरमिनेशन हम लोग देखते हैं, इसका डिटरमिनेशन जो जनरल होते हैं एक टू स्टेप में होता है, टू टाइप्स का होता है, दो तरह से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो होता है अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा होता है। अब इस केस में देखिएगा, जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में देखिएगा, जब हम लोग किसी भी मेटल के साथ या सोडियम गैसेस कंपोनेंट हम लोग ले लें और Cl2 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के क्या मिलता है, Na Cl का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। सेकेंड देखिएगा इसमें अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा हमको NaCl का फॉर्मेशन होगा, अल्टरनेटिव मेथड में हम के द्वारा भी हमको NaCl का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है, कई स्टेपों में आपका NaCl का फॉर्मेशन होगा। जैसे पहला देखिएगा, मान लेते हैं कि ये सोडियम जो सॉलिड होता है, अगर जो हम लोग इसको हाफ Cl2 के द्वारा हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तब जा करके NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस में देखिएगा अल्टरनेटिव के द्वारा कि सबसे पहले देखिएगा सोडियम सॉलिड को अगर जो हमको सोडियम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी प्रोसेस होगी, सब्लिमेशन होगा, क्योंकि सब्लिमेशन के द्वारा होता है कि कोई भी सॉलिड कंपोनेंट डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी का नाम देते हैं हम लोग क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद जब सोडियम गैस के रूप में जैसे कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अब इसके बाद इस सोडियम गैसेस फॉर्म को हमको आयोनाइज करेंगे, जब इसको आयोनाइज के फॉर्म में करेंगे, तो ये सोडियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन प्रोसेस, इसका नाम देते हैं हम लोग आयोनाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, आयन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। इसके बाद देखिएगा Cl2, अब इसको हम लोग डिसोसिएशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो जैसे हाफ Cl2 को डिसोसिएशन हम लोग करेंगे, तो HCl के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, और इसके बाद इस Cl को हम लोग क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तब ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लास्ट स्टेप देखिएगा कॉम्बिनेशन, जब यानी सोडियम पॉजिटिव को सोडियम Cl नेगेटिव के साथ जब हम लोग कंबाइन करते हैं, तब जाकर के हमको क्या मिलता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है, और इसी कॉम्बिनेशन का नाम है लैटिस एनर्जी, वहां से भी एनर्जी का रिलीजन होता है, और इस तरह से जाकर के हमको ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है,
इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या चीज होता है, बर्न हैवर साइकिल। तो बर्न